रितु बेरी जी, आप हमारे देश के एक फैशन के आइकॉन हैं। आपने वहाँ कदम रखे हैं जहाँ कई लोगों ने पहले पहले कभी कदम नहीं रखे थे। तो ये जो एक सफ़र आपका हुआ है उसमें बहुत बढ़िया हाइलाइट्स हैं, और एक हाइलाइट है कि आपने एक किताब भी निकाली है जिसमें आपने कहा है 101 तरीके स्टाइल और फैशन होने के लिए, अच्छा लगने के लिए। तो ये क्या बातें हैं जी? वो मेरी पहली किताब थी जी, जो पेंगुइन ने मेरे को कमीशन की थी जी। एंड इट वाज वेरी नाइस बिकॉज इट वाज लाइक अ लिटिल पॉकेट बुक एंड ईच पेज हैड वन टिप ऑन हाउ टू लुक गुड। मेरे ख्याल से आपने जो ये स्टोर बड़े खूबसूरत जगह पे आपने बनाया अलग अलग लेवल्स पे, इसमें भी आपकी आत्मा मेरी तरह से मुझे लगता है छिपी हुई। आइए देखिए। चलिए ऋतु जी, इतनी खूबसूरत कलेक्शन आपकी है, ये जब आप डिज़ाइन करने के लिए शुरू करती, मान लीजिए जैसे आपने ये ड्रेस डिज़ाइन किया हो, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें चलती हैं? आप इसको आप तैयारी कैसे करते हैं? आपको सूझता कैसे ये सब? हर डिज़ाइन यूनिक है और हर डिज़ाइन अलग है। मैं जब शुरू करती हूँ तो कभी सीज़न के मुताबिक करती हूँ, कभी शादी का सीज़न हो तो शादियों के लिए, समटाइम्स जो कस्टमर है जिसके लिए मैं डिज़ाइन कर रही हूँ उसको सोच के मैं करती हूँ। जैसे ये एक आउटफिट है, ये मैंने एक स्पैनिश शो के लिए किया था। किसी भी कपड़े को ड्रेस बनाने के लिए जरूरत होती है डिजाइनर के विजन की, और इस विजन को साकार करने के लिए जरूरत होती है पैटर्न मेकर्स, कटर्स और टेलर्स की। और इस हुनर को सीखने के लिए आप जा सकते हैं देश भर में MOLE के ITI संस्थानों में। ये सब आप जो है क्राफ्ट के इंसान के साथ काम करती हैं, जो टेलर्स होंगे, जो आपके मास्टर कटर्स होंगे, उनका क्या काम होता है और उनको आप इसमें किस तरह से शामिल करती हैं अपने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड खूबसूरत डिज़ाइंस में? मैं क्राफ्ट को तो ज़रूर यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके साथ मैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट को रिवाइव करती हूँ जी। जैसे ये आप देखिए, ये गोटा है, ये ट्रेडिशनल गोटा है जो हमारे इंडिया में बहुत फेमस है जी। तो उसको मैंने कैट सूट में बनाया है। इट्स लाइक अ वेस्टर्न ट्राउजर एंड अ शर्ट कॉम्बिनेशन, दैट्स अ कैट सूट, दैट्स कॉल्ड अ कैट सूट। ओके, थैंक यू। आपके जो स्टाफ जो हैं, जो आपके टेलर्स वगैरह हैं, जो आपकी अपैरल को जो है डेवलप करते हैं टू दिस पॉइंट, उनका आपका किस तरह से आप उनको क्या ट्रेनिंग देती हूँ? मैं पेरिस में काम करने लगी तो मैं अपने वहाँ से काफ़ी लोगों को लाई जो मेरे टेलर्स को ट्रेन करने के लिए आए। अच्छा, तो मतलब आपके इंटरनेशनल जो जो एक्चुअली जो डिज़ाइन वर्क या कटिंग वर्क का काम करते थे, आपने उनको यहाँ लाया? आई हैड पैटर्न मेकर्स, जो ड्रेपर्स, जो जिनको बिकॉज उस टाइम इंडिया में वेस्टर्न क्लोथ्स का इतना फैशन नहीं था जी। तो आपने जो पैटर्न मेकर्स और वो कटर्स वगैरह जो आपने विदेश से लाए, उनके काम करने का तरीका क्या फ़र्क था और कैसे सिखाया उन्होंने हमारे आपके लोगों को? बिल्कुल फ़र्क था, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी नई है, हमें इतना नॉलेज नहीं है कैसे पैटर्न्स काटना है, एंड वेस्टर्न ड्रेसेस इतने पॉपुलर नहीं थे उस टाइम। तो दैट प्रोसेस, आप एक ले पर्सन को समझा सकते हैं कि पैटर्न काटने में क्या मुश्किल हो सकता है? फॉर इंस्टेंस, अगर किसी को ब्लाउज चाहिए, उसका कोई पर्टिकुलर शेप चाहिए जी, तो उसको पहले आप कागज में काटते हैं जी, कागज में ट्राई करते हो जी, एंड देन दे मेक इट ऑन अ फैब्रिक जी, एंड फिर मेन फैब्रिक में ट्राई करते हैं। हमारे देश में इसके कोई ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं? अब तो बहुत फैसिलिटीज हैं। MOLE के ITI में चलने वाले इन कोर्सेज को सीखकर शायद आप कल की ऋतु बेरी भी बन जाएं, या किसी बड़ी क्लोथिंग कंपनी में काम करने का या खुद का बिजनेस भी डालने का मौका मिल सके। और कौन सा इंस्टीट्यूट आपके इलाके के नजदीक है, इसकी जानकारी पाने के लिए आप DGENT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को 08023742448 पर मिस्ड कॉल दें। ITI के एडमिशन की आखिरी डेट है 15 सितम्बर, आपके पास अभी भी वक्त है। टेक्सटाइल सेक्टर में आने के लिए आप 10वीं के बाद ITI ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी कीजिए। आपके स्टाफ जो काम करते हैं आपके साथ, उनको आप नया स्किल और नए रिसोर्सेज को किस तरह से पाती हैं? हाउ डू यू अट्रैक्ट न्यू टैलेंट?
There's a lot of talent in the country. बहुत young लोग हैं. मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि मैं young लोगों के साथ काम करूँ, क्योंकि youngsters में वो fire है, वो ideas हैं, वो ख्वाहिश है कि वो नया काम करें और अपने आप को prove करें.